अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। आज का व्लॉग जो है ना वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। आज मैं आप लोग के साथ बहुत मज़ेदार सा व्लॉग शेयर करूँगी, तो व्लॉग को एंड तक लाजमी देखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी जो है ना वो हम लोग हॉस्पिटल आए हुए हैं, मेरी सिस्टर है, इसको बच्चा होने वाला है, तो आज इसका ना फाइनली वो दिन आ गया ऑपरेट होना है। और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हमारी फैमिली का पहला बच्चा है। अभी हमें पता नहीं है जेंडर का, बेबी है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ये मेरी अम्मा साथ आई हुई हैं, ऐवें लेट गई, ये ज़्यादा मरीज लग रही हैं। और हाँ भाई, तू दस, खुश है, एक्साइटेड है? तुम कैसी, एक्साइटेड हो अपने भांजे भांजी के लिए? किसके जैसा होगा? किसके जैसा होगा? नानी जैसा होगा, नानी जैसी आंखें होंगी। और किस जैसा होगा? सेम ही नानी जैसा। मैंने अम्मी का बचपन देखना है, अम्मी का बचपन देखना है जैसा। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा हॉस्पिटल भी दिखा देती हूँ, जिस हॉस्पिटल में हम आए हैं। थोड़ा सा बाहर से आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखे, ये हॉस्पिटल है, चेक करें, ये हॉस्पिटल है, माशाल्लाह काफी बड़ा हॉस्पिटल है। जिसमें हवा चल रही है और आंधी आ रही है आज, तो ना तो मौसम बारिश वाला होने वाला है। तो अल्लाह पाक हमारे घर में रहमत नेमत जो भी भेजे, बारिश आया शादी में भी, हाँ जी, और बारिश आया और आज बच्चा है, तब भी शादी में बच्चा आज भी ना देर है, बहुत ज्यादा आंधी है। हाँ, इनकी शादी पे भी बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, बारिश भी आई थी, आंधी भी आई थी, और आज भी सेम वही कंडीशन। मेरी सिस्टर को लेकर जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर, स्टाफ आई हैं, वो लेकर जा रही हैं, और माशाल्लाह हंसी खुशी वो चल कर जा रही है। आ जाओ अम्मी, जल्दी आ, सिद्रा आ जाओ कपड़े लेकर, बस ले गए। खड़ी होके वेट कर रही है, और अभी ये सामने ही लेकर आ गए, ऑक्सीजन लग रही है बच्चे को। अभी हमें बाहर आकर बताया नहीं क्या बच्चा, क्या बच्चा है, हम वेट कर रहे हैं। सिद्रा तो बड़ी एक्साइटेड है भाई, रोने की आवाज आई है, रोने की आवाज आई है। तो बंदा जी ने आवाज से लग रही है, वैसे आवाज से तो लड़का लग रहा है। मम्मी पता नहीं क्या है, बेटियां बड़ी चीखती हैं भाई, बेटियां चीखती, लेकिन उनकी आवाज थोड़ी दूसरी। अभी ना बच्चे की पहली दफा रोने की आवाज आई है, अभी हम पापा जो है ना बच्ची को पहली दफा उठा रहे हैं। लो भाई अनफाल, जब तुम बड़ी हो ना तो ये वीडियो देखना, तुम्हारी खाला ने बनाई है, और खाला को क्रेडिट भी देना किस तरह से वो तुम्हें रिकॉर्ड कर रही है। तो अभी ना इसकी अम्मा को लेकर आएंगे बाहर, हमारी गुड़िया तो बड़ी प्यारी है, अब सितरा उठा रही है। हाँ ले जाने अम्मी, एक बार रुक जाए, इनकी माँ ले आ, ये बार इनकी माँ ले आ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें प्यारी सी गुड़िया से नवाज दिया है। और अम्मी हम लोग क्या आटे भी बैठे हैं, अम्मी एक साइड से कर लो। तो बस अभी इसकी अम्मी बाहर आ जाए, उसका हम इंतज़ार करें। उसके बाद डॉक्टर ने बोला है कि इसको ना थोड़ा सा बच्चों वाले डॉक्टर को चेक करवाना है, तो अभी जाकर हम करवाते हैं। सेम मेरी सिस्टर को भी लेकर जा रहे हैं रूम में शिफ्ट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से बहुत अच्छा ऑपरेट हो गया है। अभी रूम में शिफ्ट करेंगे, ये भी पीछे है हमारे जी। बानो दसो, खुश है? तेरे वर्गी है माशाल्लाह। बच्ची को लेकर ना हम इधर आए हैं हॉस्पिटल में, तो अभी ना इसको इधर से चेकअप करवाते हैं किसी अच्छे से डॉक्टर से। इसको कोई प्रॉब्लम बताया है डॉक्टर ने अभी तक ना, इधर से चलकर हम तसल्ली करते हैं कि इसको क्या मसला है, ऑक्सीजन की कमी है, क्या मसला है। खैर करे अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी करे छोटी सी क्यूट सी गुड़िया की। ये है जी आज दूसरा दिन हमारा हॉस्पिटल में, और माशाल्लाह से इस हॉस्पिटल में हमारी ना हो पैदा हुई हैं। अभी हम सारी सिस्टर्स और नानों हमारे साथ आई हुई हैं, अभी हम जा रहे हैं दोबारा से अपनी क्यूटों से मिलने के लिए। आ जा, ये सामने वाला ऊपर रूम जो है ना ये हमें मिला हुआ था। तो आज है जी दूसरा दिन हमारी गुड़िया का दुनिया में आए हुए, और ये खालाएँ जो है ना वो आज पहली दफ़ा उसे देखने आई हैं। रात टाइम ये नहीं आ सकी, आ जाओ
पर मेरी बहनें जो है ना वो अनफाल को लेकर बैठी है। हमने इस क्यूट सी गुड़िया का नाम अनफाल अहमद रखा है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है आप लोगों को ये नाम कैसा लगा, और आप लोग बताओ आप लोगों को अपनी भांजी को देख के कैसा लगा? अच्छा लगा। सेम इकरा की कॉपी है ना। तुम बताओ अक्सा तुम्हें कैसी लगी? तुम बताओ अक्सा तुम्हें कैसी लगी? बहुत प्यारी। और सिद्रा तुम, फातिमा तुम बताओ, और सबा भी हमारे साथ आई हुई थी। सबा तुम बताओ मेरी भांजी तुम्हें कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, प्यारी है। सबा ने कहा भाई मैंने भी जाकर देखनी है, तो फिर हम सबा को भी साथ लेकर आ गए। और है ना वो हमने अनफाल अहमद से मिल लिया है, यानी कि अपनी भांजी से मिली है, और मेरी सारी बहनों ने भी मिल लिया है। और अभी हम घर जाएंगे और घर चलकर जो है ना इनका खाना शाना बनाएंगे, इनको खाना भेजेंगे, और कल जो है ना इन लोगों को छुट्टी हो जाएगी, फिर हम इनका अच्छे से वेलकम करेंगे। आज मेरी सिस्टर के ऑपरेट को तीसरा दिन है माशाल्लाह से। आज जो है ना वो मैं उसके लिए सूप भी बना रही हूँ, कुकर लगाया हुआ है, और साथ में यहाँ पर देसी मुर्गी का कीमा लाए थे भाई, तो वो बना रही हूँ। क्योंकि डैडी आज जो है ना वो मिठाई लेकर आए थे, सारी तकसीम हुई है, अभी ये ना थोड़ी सी बची है। आ जा रहा है कोई पूछने वाला, आ रहा है कोई अनफाल को देखने वाला है, और वो है कि उसने हमारी एक दिन में आई है ना तो नींदे उड़ा दी, दिन टाइम हमने बिल्कुल आराम नहीं किया। आज अनफाल की वैक्सीनेशन होनी है, तो आज हम इसको लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। इसकी नानों ने इसको इस तरह से पैक कर दिया है, बेशक गर्मी में पैदा हुई है ना, लेकिन इसको पैदा होते ही नमोनिया बताया डॉक्टर ने, इसलिए हम ना इसको पैक ही रखते हैं इस तरह से। मानो बिल्ली आई हुई है, मानो बिल्ली को दूध डाला है, मानो बिल्ली आई हुई है, दूध डाला ना इसको, पी गई है, पी लिया इसने। पौधों में किस तरह से बैठी है ये छांव ढूंढकर। तो ये चार दिन का व्लॉग है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा रिकॉर्ड करने की कोशिश की, जितने भी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए वो सब मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करूंगी कि आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।